हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विश्वकला पांडे में स्वागत है। और आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ, आज मैं प्रथम आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रपति के रूप में क्या अधिकार होते हैं, कितनी सैलरी होती है, कौन शपथ दिलाता है। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे और हमने सोचा क्यों ना करंट की कुछ चीज़ें भी शामिल की जाएं जो कि इस समय की हैं, जो बच्चों के लिए भी लाभदायक हैं और बड़ों के लिए भी। तो चलिए बात करते हैं माननीय राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था और वहीं पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त किया। 20 जुलाई 1958 को इनका जन्म हुआ था और शिक्षा दीक्षा वहीं पर इन्होंने प्राप्त किया। ये पहली ग्रेजुएशन करने वाली लड़की थी उस गांव में, क्योंकि 1958 का दशक आप समझ सकते हैं कि कितने वर्ष बीत चुके हैं, कितने वर्षों की हो चुकी हैं, तो इतने सालों में बहुत कुछ अंतर हुआ है। तो हम बात करते हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई की और उनका विवाह श्याम नारायण मुर्मू से हो गया। विवाह हुआ, उनके दो बेटे और एक बेटी भी पैदा हुए, लेकिन असमय जो है उनके पति और दोनों बेटों का निधन हो गया, जिससे उन्हें गहरा सदमा भी लगा। तो उन्होंने शिक्षक के रूप में भी पढ़ाया और पढ़ा करके जो है अपना जीवन यापन करने लगी, अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। दो बच्चे तो असमय मृत्यु के गाल में चले गए, लेकिन एक लड़की है उनकी, तो उन्होंने उसे भी पढ़ाया लिखाया। क्लर्क के पद पर भी उन्होंने कार्य किया बहुत दिनों तक। वो विधायक भी रहीं और बीजेपी की तरफ से सांसद भी चुनी गईं और उन्होंने झारखंड में उन्हें राज्यपाल भी बनाया गया। वो प्रथम आदिवासी महिला थी जिनको राज्यपाल बनाया गया था। तो सच में कह सकते हैं कि इतने सारे कष्टों को सहने के बाद भी उनके अंदर जो जज्बा था उसे मैं हृदय से सलाम करती हूँ, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसके पति बच्चों का निधन हो जाए और उसके बावजूद वह इतना मतलब प्रयासरत रहे, परिश्रम करे, अपने जीवन में इतना आगे जाए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो मैं हृदय से उनको सत सत नमन करती हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदया को, कि जिन्होंने इतना कुछ खोने के बावजूद भी अपने जीवन में हार नहीं माना और आगे बढ़ती रहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ती रहें। अब बात करते हैं उनकी शपथ ग्रहण की। तो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और वही दिलाएंगे, क्योंकि प्रारंभ से ही यही प्रथा है। और 25 जुलाई को ही क्यों शपथ होता है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे वे निर्विरोध चुने गए थे और उनको शपथ 25 जुलाई को ही दिलाई गई थी। इसीलिए तभी से यह प्रारंभ हो गया कि सारे राष्ट्रपति को 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसी दिन शपथ दिलाई जाती है। अब पद की बात करते हैं, तो पद तो आप जानते ही हैं कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ब्रिटेन की महारानी के समान सारे अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। अधिकारों की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है भारत का कि जिसको जो उन्हें न प्राप्त हो, यानी संपूर्ण अधिकार जो है कह सकते हैं उन्हें प्राप्त है। वह चाहें तो यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड भी मिला है तो राष्ट्रपति चाहें तो उनका अधिकार है कि वह उसे माफ़ कर सकती हैं, उसके सजा में मतलब सजा कम भी कर सकती हैं या पूरी तरह से उसको माफ़ी मिल सकती है राष्ट्रपति की तरफ से, यह उनका अधिकार है। और भी सारे अधिकार हैं, जितने भी राजनीतिक अधिकार होते हैं वो सब उनके अधिकार हैं। कोई भी कानून यदि पास होता है, पारित होता है, तो जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती है, वह सिग्नेचर नहीं करता है, तब तक वह मान्य नहीं होता है। यानी संपूर्ण अधिकारों के मालिक कहे जाते हैं राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, वायुसेना, जलसेना, थल सेना,
तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होते हैं। और बात करते हैं उनके मतलब क्या क्या उनको मिलता है, तो राष्ट्रपति को 40 कमरों वाला राष्ट्रपति भवन तो मिल ही जाता है जब तक कि वह राष्ट्रपति रहता है। और भी सुविधाएं उसको मिलती हैं, एयरजेट विमान की आने जाने की सुविधा, मोबाइल की सुविधा, रहने की तो खैर रहते ही है, और भी उनके गार्ड लगे रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं, जहाँ कहीं भी आना जाना होता है वो साथ में ही उनको सुरक्षा घेरे में लेकर के जाते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, मोबाइल की सुविधा। और वेतन की बात करें तो उनको 5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी है राष्ट्रपति की। 2017 तक तो केवल 1.5 लाख रुपये मिलते थे, लेकिन 2017 के बाद से राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ा दी गई और सीधे 5 लाख रुपया पर मंथ कर दिया गया। अब राष्ट्रपति जो है 5 लाख रुपए पाता है और प्लस सारी सुविधाएं, सारे भत्ते उसे मुफ्त में मिलते हैं, क्योंकि वह भारत का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है और सारे अधिकारों का कर्ता धर्ता है मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो राष्ट्रपति के हाथ में न हो, और सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के हाथों में ही निहित होती हैं। धारा 352 के तहत भी सशस्त्र विद्रोह होने पर भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, और वो चाहे तो धारा 356 के तहत भी चाहे तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है। वित्तीय संकट आने पर भी धारा 360 में जो है वित्तीय संकट आने पर भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये रहे राष्ट्रपति के अधिकार। वैसे राष्ट्रपति रिटायर भी हो जाता है, मतलब उसका पद जब समाप्त हो जाता है तो भी उसको 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, मोबाइल की सुविधा मिलती है, आने जाने की, और प्लस एक लोग उनके साथ भी रहने की आजीवन सुविधा मिलती है, रहने के लिए घर भी मिलता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि इतना बड़ा पद भी तो है। अब इतने बड़े पद पर कोई सामान्य व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, कह सकते हैं कि जो उतना योग्य होगा, जिसके अंदर उतनी सादगी होगी, शालीनता होगा, विद्वान होगा, सारी चीज़ें होंगी, वही तो जाएगा इस पद पर। हर कोई थोड़ी ना राष्ट्रपति बन सकता है, और ख़ास करके वो महिला हैं, इसलिए और भी मतलब ये हो जाता है, उनका मान सम्मान बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने सारे संघर्ष किए उन्होंने अपने जीवन में, इतने संघर्षों को झेला और उसके बाद जो है वो इस पद तक पहुँची हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे महिला के रूप में भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, लेकिन आदिवासी महिला के रूप में प्रथम राष्ट्रपति का पद, महिला राष्ट्रपति का पद इन्हीं को, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। और हमारा विश्वास है कि हमने जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो तो सिर्फ शेयर करें, क्योंकि हमेशा नहीं सब्सक्राइब करना रहता है, एक ही बार सब्सक्राइब करना रहता है। और स्टेटस हम लगा देते हैं, स्टेटस से तुरंत देखें, 2 बार स्टेटस को दबाएं तब वीडियो चलेगी, और जितना भी जिस भी माध्यम से आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं उस माध्यम से वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आपको प्यारे प्यारे ज्ञानवर्धक बातें, अच्छी बातें इसी तरह मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।